और जिस तरह हमने आपको पिछली किस्त में वादा किया था, पाकिस्तान क्रिकेट ने जहां हम उसको छोड़ के गए थे और भी नीचे सतह दरियाफ्त की हैं अपनी बेइज्जती की, वी हैव नॉट परहैप्स हिट रॉक बॉटम जस्ट येट, बट ये हो चुका है कि बांग्लादेश के लिए एक तारीखी टेस्ट वे सीरीज विन पाकिस्तान में, नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, दोनों टेस्ट रावलपिंडी में हुए, दोनों टेस्ट बांग्लादेश में खुद एक बहुत बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट के बाद हुए, और दोनों टेस्ट में बांग्लादेश ने नहीं सिर्फ मैच में बढ़तरी हासिल की बट ऐसी जगह से मैच जीता जहाँ से लग रहा था कि पूरी तरह हार चुके हैं, चाहे वो 448 पे 6 डिक्लेयर हो, या वो या जितने भी डिक्लेयर किया था, या फिर दूसरे मैच में जब 26 पे 6 थे, एंड देन नितिन दास स्कोर्ड व्हाट विल बी फॉर एवर वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टेस्ट मैच इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम, बांग्लादेश ने जबरदस्त क्रिकेट खेल के आउट बोल्ड, आउट बैटेड, आउट फील्डेड, आउट हसल्ड, आउट कैप्टेंड एंड टैक्टिकेंड पाकिस्तान. एंड फॉर पाकिस्तान जस्ट फाइंडिंग मोर एंड मोर वेज टू बी इवन मोर डिसअपॉइंटिंग देन बिफोर. यार, मुझे सबसे पहले तो एक बांग्लादेशी फैंस और लिसनर्स अगर हैं हमारे, तो उन्हें एक कॉशनरी वार्निंग देनी थी कि देखिए, पाकिस्तान से लाइक पाकिस्तान के खिलाफ आपको अपनी परफॉर्मेंसेस कभी जज नहीं करनी चाहिए। और आपकी एक तरह से थोड़ी बहुत बदकिस्मती है कि आपकी ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस एवर तारीखी, यानी नॉट जस्ट कि बांग्लादेश की ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस हैंड्स डाउन नहीं है, वो तो कोई शक नहीं है उसमें। आप किसी से भी पूछ लें, इससे बेहतर परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक बांग्लादेश ने कभी क्रिकेट फील्ड पे दी है। शायद ऑस्ट्रेलिया पे जो एक बार मैच में हराया था 2005 में, लेकिन इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेज एनी वेयर। जिस 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 पोजिशन से ये जीते हैं, पहले टेस्ट में 448 फॉर 6 डिक्लेयर्ड पाकिस्तान, के बाद आपने 10 विकेट से हराया है। लाइक दैट्स ओनली द थर्ड टाइम इट्स हैपेंड कि टीम डिक्लेयर्स 6 और लेस डाउन। दूसरे टेस्ट में 26 से 6, व्हिच इज पर्टिकुलरली पॉइंटेंट फॉर पाकिस्तानीज ऑफ कोर्स, बिकॉज दे देमसेल्व्स हैव पुल्ड ऑफ टू ऑफ द ग्रेटेस्ट जीरो एफ ऑल फॉर 6 विकेट्स डाउन एंड समहाउ गो एंड विन बॉस अ मैच इन मिनट। तो With the keeper scoring essentials. विद द कीपर चिपके, सो ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज विन्स ऑफ ऑल टाइम्स। बट आपकी बदकिस्मती ये हुई है, आई एम सॉरी टू से, कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ ये हासिल करी है। और जैसे कि आपको मार्कस नॉर्थ द बॉलर बता सकते हैं, शेन वॉटसन द बॉलर बता सकते हैं, आपको कॉलिन डे ग्रैंड होम द बॉलर बता सकते हैं, कई और कितने, अहमद तुमसे मैं पूछूं तो पता नहीं 6 और नाम और आ जाएं। ऐसे ऐसे वो है ना प्लेयर्स जिन्होंने एक अपनी परफॉर्मेंस आपके खिलाफ कर दी द ग्रेटेस्ट, दुनिया ने कहा कि यार क्या प्लेयर है, यार क्या प्लेयर है। उसके बाद विल समरविल न्यूजीलैंड के बॉलर, 5 विकेट ले ली थी अबू धाबी में, टेस्ट जिता दिया न्यूजीलैंड को 2018 में। ऐसे ऐसे प्लेयर्स आए और गए, ऐसे गायब हुए। और बांग्लादेश, लाइक आई होप, आई रियली रियली लाइक आई प्रे टू गॉड, आई होप कि बांग्लादेश बिल्ड ऑन दिस, एंड आई थिंक दे विल। आई एम पार्टली जोकिंग, आई थिंक दे विल, लेकिन बॉस पाकिस्तान के खिलाफ बस थोड़ा सा सोच समझ के। नहीं, आई थिंक बिल्कुल सही बात है, बट उसमें सिर्फ जो एक फर्क ये है कि बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान को हराना इज नॉट अबाउट क्रिकेट, और हाँ, इसलिए कि दैट्स वेरी ट्रू। आपको ऐसी टीम के खिलाफ इस तरीके से सीरीज जीतना, आई थिंक कि उसका मजा या जो भी उसकी उसका मतलब उनके लिए है या व्हाटएवर इससे वो देते हैं, वो कोई बहुत ज्यादा ही फर्क है कंपेयर टू ऑब्वियसली यू नो ड्वेन ऑलिवर और पॉल हैरिस और कॉलिन डे ग्रैंड होम टाइप लोगों की हरकतें, क्योंकि उनके मुल्क में उस राइवलरी की वो वैल्यू नहीं है. एंड आई थिंक ये सबसे क्रेजी चीज थी कि क्योंकि यू नो वही पिछली दफा हमने बात की थी कि कितना सिंबॉलिकली हैवी मैच था बांग्लादेश के लिए, कि पीछे शेख हसीना के खिलाफ एक रेवोल्यूशन आई भी है, यहाँ पे रावलपिंडी में मैच हो रहा है, और चलो आपने एक मैच में पाकिस्तान ने बुरा खेला एंड दे यू नो चोज फोर बॉलर्स एंड दे यू नो वर कंप्लेसेंट, दे वर दिस दे वर दैट. इन दिस मैच पाकिस्तान गेव बांग्लादेश इट्स बेस्ट शॉट, राइट, कि उन्होंने 26 पे 6 कर दिया, जो उन्होंने बॉलर भी चुने थे उन सबकी रावलपिंडी में अच्छी कारकर्दगी थी, आखिरकार ना ही सिर्फ स्पिनर अबरार को खिलाया
और उस सब के बावजूद भी बांग्लादेश एंड देन अगेन यू नो लाइक व्हेन यू गॉट दैट ड्वेन ऑलिवर्स एंड व्हाटएवर ग्रैंडहोम्स या फिल सिमंड्स उसके सब की इनिंग्स में वो एक बंदे के खिलाफ पूरी पाकिस्तान टीम ढेर हो जाती है। यहाँ पे अगेन एक फर्क ये भी था कि इनका मतलब नितिन दास के रन है, फिर मेहदी के रन है, फिर इनके फास्ट बॉलर बिल्कुल मुशफिक ने रन बनाए, फास्ट बॉलर्स की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं ऐसी पिच पे जहाँ पे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को इनके बल्लेबाजों ने आराम से खेल दिया या एटलीस्ट यू नो न्यूट्रलाइज कर दिया ऑन एवरी मेट्रिक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली के पाकिस्तान क्रिकेट में आफ्टर मे बी टू डेज ऑफ दिस सीरीज एंड मे बी इवन आफ्टर ऑल 8-9 days के अभी भी यही यकीन है कि भाई पिंडी की पिच पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो उस मैच में रिजल्ट लाने का भी क्रेडिट उस बांग्लादेश में उस तरीके से जाता है जो आई थिंक यू नो लाइक अगेन व्हेन यू लुक एट ऑल दिस पाकिस्तानी कोलैप्सेस और टेरिबल परफॉर्मेंसेस और व्हाटएवर तो उसमें जरूरी मतलब यू नो एज आई सेड बिफोर दे कैन हैपन एट एनी टाइम एनी प्लेस डेफिनेटली इसी कैटेगरी के अंदर ये भी आती है। बट ये है कि अगर इस पर बांग्लादेश कुछ भी बिल्ड ना करे तो ये कयामत इनके लिए एक you know it's always something you can go back to and feel good about like you know when we beat your 2017 champions trophy final no matter how bad things get you can always be like remember during the india final it's it'll be like that aur isme inke you know just the manner of victories ke pace bowlers ne for the first time ever took all 10 wickets in an innings hasan mahmood taskeen nahid rana aur socho isme jo performance thi na मैं सोचा नाहिद राणा वाज लाइक आउटस्टैंडिंग लाइक जस्ट दिस अमेजिंग ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टू वॉच दिस गाय कम इन पिंडी ऑफ ऑल द प्लेसेस होम टू द रावलपिंडी एक्सप्रेस एंड बोल लाइक 150 केज एंड गेट विकेट्स गेट बाबर आउट गेट शान मसूद आउट एंड देन यू नो हसन महमूद जस्ट रियली स्मार्ट स्विंग एंड सीम बोलिंग टेकिंग 5 wickets एंड यू नो डिसेंट पेस लाइक इट वाजंट लाइक ही वाज बॉलिंग मिड 120 वो मिड 130s लो 130s टच कर रहा था एंड लाइक स्विंगिंग द बॉल अ बिट टेकिंग विकेट्स 5 wicket haul फर्स्ट बांग्लादेशी पेसर टू टेक 5 wicket haul इन पाकिस्तान और फिर लाइक द लीस्ट काइंड ऑफ प्लेड अप एलिमेंट ऑफ दिस अटैक इज द बिगेस्ट आई थिंक स्लैप इन द फेस फॉर पाकिस्तान एंड दिस इज अबाउट एज इफी एंड वासेज आई एम गोना गेट के यू नो बांग्लादेशी तमाचा This is the biggest slap in the face that Pakistan got. Taskeen Ahmed has come back from career-threatening injuries that would have destroyed almost every single one of the Pakistani bowlers who we know at present. Not because of them, by the way, but because of the medical system around them. He's come back, and he's come back a better and smarter bowler. Mm. And he's having like a prolonged career after some serious injuries. And he's just a wonderful bowler to watch right now. He's like a smart, good, fast, hustling, bustling bowler to watch right now. And, you know, I think he picked up 2 wickets assist at Lithi, Rawalpindi ki aakhri innings mein. But he was like the banker. Ki haan, ye Taskeen to control bhi kar lega aur wicket bhi le lega. Itna achha ho gaya. It was just wonderful to watch him. You know, he missed that first test. God knows if he had played that first test, Pakistan ki kya halat hoti. He might have even been more damaged in that first test. So, just wonderful. And then, also to watch their one concession to kind of... You know, because they played like very non-funky cricket. उन्होंने कोई खास ऐसा out of the box नहीं खेला. उन्होंने अच्छी solid cricket खेली है. But the one thing that they did, which I loved, was when Zakir came out on the fourth day at the start of the chase. और उसने जो फेंटी लगाई है ना पाकिस्तान को, खुर्रम शहजाद को जो छक्के मारे हैं और ये कर रहा है, that was like the start that you wanted. कि ये जो chase है ना, ये आप ऐसे करते हैं. 180, 185 की chase है. Dark skies above, like everyone was thinking, yaar, yahan pe 2-3 wicket to girenge because conditions are perfect. Barish in the air, pitch mein thodi si help hai, new ball hai, Khurram Shahzad, you know, in good form. Aur usne jo aake innings khel liya na, that like that broke the back of the chase. Even though they were only, I think, like what were they? Were they even 40 something at the end of that day, or maybe 28 or something? But they broke the back of that chase then, just in spirit. Yaar, main aise khelunga. So that was like wonderful, wonderful to see. Aur ek main aakhri assessment. Before I stop this, मैं कहूंगा कि now look at Bangladesh coach Chandika Hathura Singh. He has, you know, लोग से गालियां बकते हैं, बांग्लादेश में भी गालियां बकते हैं, like players have had issues with him, बहुत डांटता है, बहुत disciplinarian type है. BCB chief नए जो आए हैं फारूक अहमद, he said before the first test के I don't want him as coach, you know, ये सब बोल दिया. He has now overseen 2 of the greatest away series wins by any subcontinent side anywhere in the world in the history of cricket. Ek, the first one
ही वॉज द कोच ऑफ श्रीलंका व्हेन दे बीट साउथ अफ्रीका 2-0 इन द टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका 2018 में. And even at that stage, he got kicked out of that job a month after that, by the way, month or two after that. Andrew Fernando mein bata raha tha ki us waqt uski bhi position under threat thi jab usne wo jitaya hai. And now he's pulled off Bangladesh beating Pakistan. So, you know, he may not have an ICC title on his CV, but God damn it, man, you show me a better achievement for a coach of a subcontinent side than the two that he's pulled off in the last 6 years. I think I'm so glad that actually इसी तरीके से हमने start किया, क्योंकि बांग्लादेश को उनके टू as Americans say it, they deserve their flowers, right? And this is a great point about Hathura Singh himself. I think if I हम भी शामिल थे कि जब I think पहली innings के बाद after the first match, even in the second innings, थोड़ा ये था कि अच्छा like you know नाहिद की कितनी improvement हुई है from one innings to the next. But yes, हाँ. He's a such an untested and raw फलाना ढिकाना, मगर उसके बावजूद you know, just over the course of just a two-match series to see a young express fast bowler like get so much better at test match bowling, badi amazing cheez thi dekhne ke liye, something that has to be appreciated. And I think also something about like how, you know, test cricket is such a compelling sport. UK, like a lot of things have to go right for you to pull off what Bangladesh pulled off, right? A lot of things also have to go wrong. But you still have to be able to take advantage of it. Aur phir uske baad ke wo cheezein bahut dafa is match mein, like it, you know, I think a lot of times if like the pitch is really difficult, the conditions are really difficult, then you get crazy results. What's amazing is ke do matches pindi pe hue the jahan pe aisa nahi tha ki Pakistan ne koi bahut zyada bura khel rahe the ya kuch, but it was like consistent. Like I think that's what Bangladesh would feel so great about it, kyunki that, you know, even that Zakir innings you mentioned, it wasn't something that lasted for 2-3 sessions or whatever. Like, kisi point pe aisa nahi tha ki ek khiladi haavi ho gaya to isliye wo match le gaye. There was actually, but even if you look at the Mushfiq innings, if you look at like all their bowling, it was stacking good overs one on top of the other, which is what makes Test cricket amazing, and it's also what's so difficult to pull off, you know, because अच्छी से अच्छी टीमों में भी ये एक अक्रॉस के 11 के 11 खिलाड़ी आर पुलिंग टुगेदर टू पुट वन गुड ओवर आफ्टर द नेक्स्ट और टू बैटर्स और यू नो द होल बैटिंग लाइनअप इज पुटिंग गुड ओवर्स आफ्टर द नेक्स्ट इज समथिंग अच्छी टीम नहीं कर पाती. इसलिए उनके पास जो सुपरस्टार्स होते हैं दे विल डू समथिंग आउटलैंडिश एंड दे विल विन. सो दिस वाज आई थिंक आल्सो अमेजिंग कि फ्रॉम अ टेस्ट मैच पर्सपेक्टिव एज गुड अ टेस्ट विन फ्रॉम अ टीम पर्सपेक्टिव एज यू कैन होप फॉर. यू नो ऑब्वियसली वी एंजॉय वॉचिंग अगर कोई एक खिलाड़ी 300 bana, chalo 300 nahi, but you know, plays a great innings or takes like 10 wickets or whatever. But what was amazing is that when you're looking at a side that's had a horrible run, that is in very, in conditions where even the home team is thinking ke bhai normal tarike se koi is match pe natija aa hi nahi sakta hai, to hame bhi kuch aukha karna padega. Wahan pe aap, you just play good fundamental cricket, and you know, whenever Pakistan threatened to have an advantage, वहां पे यू डोंट आप ढेर नहीं हो गए, विच जस्ट लुकिंग एट बांग्लादेशी टेस्ट हिस्ट्री बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि देयर वर सो मेनी पॉइंट्स इन दिस मैच वेयर दे कुड हैव जस्ट थ्रोन इट अवे, विच दे हैव डन इनफिनिट टाइम्स, मगर उन्होंने नहीं किया.